अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑडिटर्स। तो आज हम बनाएंगे बहुत प्यारा सा एक बर्ड हाउस, और चलिए दिखाते हैं वीडियो बिना देर किए। तो ये ना मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, तो इसी से मुझे आइडिया आया कि मैं बनाती हूँ। तो चलिए, मेरा जिसमें आया था ना, ये जिस बॉक्स में मैं उसका ही यूज़ करी हूँ, उससे इस तरह से मैंने ना शेप बना लिया। आप देख लीजिए, ये 11.5 सेंटीमीटर चाहिए हमें। उसके बाद यहाँ से लेके जो यहाँ के बीच की जो लेंथ होगी आपकी, वो 15 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद फिर नीचे वाले पार्ट का इतना होगा 7.5, फिर ये भी 7.5, ये 10.5। ठीक है, तो आपको ऐसे दो पीस चाहिए होंगे। तो चलिए इसको अच्छे से काट लेते हैं। और इस तरह से मैंने काट लिया, और यही जो टेप था ना, तो मैंने सोचा इसको क्या ही फेंकूँ मैं, मास्किंग टेप की तरह था ये बहुत अच्छा। तो मैंने इसके एजेस को इससे ही कवर कर दिया है, ठीक है। और बाकी जो पार्ट थे अच्छे से मैंने इसको साइड साइड को अच्छे से कवर किया। अब यहाँ पे किसी भी लेट की हेल्प से ना मुझे ऐसे राउंड बनाना था, ताकि अंदर बाहर निकलने के लिए एक मिल जाए उनको। और इस तरह से मास्किंग टेप से इसको भी मैं अच्छे से कवर कर लूँगी, जो इसका रफ एज है। तो उसको अच्छे से आप मास्किंग टेप लगा लीजिए। फिर आपको 7.5 सेंटीमीटर और 13.5 सेंटीमीटर के दो चाहिए होंगे, जो साइड में लगाएंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इस तरह से बता दे रही हूँ, आप किसी भी ग्लू से इसको लगा सकते हैं। मैंने जल्दी के लिए इसे फेविक्स से लगाया है। अगर आपके पास फेविकोल है तो उससे भी आप लगा सकते हो। और फिर उसको थोड़ी देर के लिए मास्किंग टेप से लगा के छोड़ना होगा, फिर सूखने के बाद आप मास्किंग टेप हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इससे ही लगा दिया है, और ये इतना कम्प्लीट हो गया है। अब नीचे के लिए मैंने लिया है 14.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सारे का डायमेंशन मैंने अच्छे से आप लोगों को बता दिया है, ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो बनाने में। फिर ये भी आपको 14.5 सेंटीमीटर के दो चाहिए होंगे इस तरह से। तो इसको भी अच्छे से ऊपर से मास्किंग टेप साइड में लगा देंगे। इसे ऊपर में लगाना है, साइड का थोड़ा सा मैंने राउंड कर्व किया है इसको, ठीक है। और चलिए इनको भी दोनों को लगा देते हैं। तो ये हमारा बेस रेडी हो जाएगा। आप इसे ना कार्ड, मतलब अच्छे वाले अगर आप चाहें तो वुड से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे पास कार्डबोर्ड ही है तो कार्डबोर्ड से ही बनाते हैं। और सारे लोग के पास जनरली कार्डबोर्ड ही होता है ज़्यादा अवेलेबल घर में। तो इस तरह से थोड़ा सा टेक्सचर पेस्ट मैंने लेके उसको हल्का सा बस और फ्रंट साइड पे अच्छे से लगा दिया, ठीक है। और इस तरह से मैंने आइसक्रीम स्टिक का यूज़ किया है, इसके सामने में मुझे इसे लगाना है, ताकि वो बर्ड जो है इस पर आके बैठ पाए और अंदर अच्छे से जा पाए, ठीक है। अब चलिए पेंट करते हैं। तो सबसे पहले बेस कोट देंगे ब्लैक। ये बहुत प्यारा लगेगा, आप इसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल की जो भी मतलब बर्ड है वो बहुत ज़्यादा, उनके स्पीशीज़ जो है ना वो ख़त्म ही हो रही हैं, दिखती नहीं है, जैसे स्पैरो। तो आप इससे इंस्पायर होइए, और थोड़ा सा अपने छत पे भी थोड़ा मतलब बर्ड के लिए थोड़ा दाना वाना रख दीजिए, पानी रख दीजिए। अभी गर्मी का भी टाइम है, तो उससे ना बहुत अच्छा आपके गार्डन को लुक मिलेगा। और अगर आप इस तरह के बर्ड हाउस बना के लगा दीजिएगा, तो उसमें बहुत सारे अंडे बच्चे भी करेंगी, तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप भी मतलब बना के अपने गार्डन में लगाइए, और उसको डेकोरेट करिए, बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरह से थोड़ा मुझे वुडन लुक देना था, तो मैंने दो तीन ब्राउन के ही कलर्स में ऐड किए हैं, ठीक है। आपको थोड़ा शेड मिलाना होगा, एक्रेलिक में नहीं मिलेगा आपको, एक्रेलिक पेंट में ऐसे इतने शेड्स। तो इस तरह से मैंने मिक्स मैच करके वाइट के साथ थोड़ा ब्राउन मिक्स करके डार्क ब्राउन यूज़ करके किया, और इसको अच्छे से अब ब्लैक से आउटलाइन करेंगे। और उसमें जो डिज़ाइन था ना, तो उसको मैंने इसे ब्लैक से बना दिया, क्योंकि मेरे पास ऐसा उतना बर्नट अंबर वो जो पेंट होता है डार्क वाला ब्राउन वो नहीं था, तो उससे मैंने ब्लैक से ही बना दिया। और एकदम बिल्कुल सेम कलर नहीं किया, थोड़ा डिफरेंट किया है उससे। और यहाँ पे ना मैं नहीं लिख रही थी, लेकिन फिर मुझे ना अलीज़ा ने कहा कि लिख दो उस पर स्वीट होम, ऐसे करके लिखा हुआ था उस पर भी। तो मैंने अपनी गंदी से राइटिंग में यहाँ पर छाप छोड़ दिया है, ऐसे तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, ये नहीं लिखना चाहिए मुझे। तो चलिए इस तरह से ये पूरा कम्प्लीट हो गया है। कम्प्लीटली वॉर्निश से इसको ज़रूर सील करिएगा, और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो बिल्कुल बहुत इजी था इसको बनाना, बहुत अच्छे से बन गया। अब ना मैं एक केज का सेटअप कर रही हूँ, उसमें इसको लगाऊंगी, तो जल्दी उसका भी वीडियो आने वाला है, उसके लिए मैंने इसे रेडी किया है। जब तक आप मेरे बजीज के साथ इसको देख लीजिए, कितना प्यारा लग रहा है। ये मेरा हैंड टेम बजीज है, भागता नहीं है, और इसके पर भी बिल्कुल नहीं कटे हुए हैं, इसे बुलाने से ऐसे आ भी जाता है। तो मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुँचाएगा। बाकी वो लाइक शेयर फॉलो कमेंट सब्सक्राइब, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, वो आपको जैसा ठीक लगे करके जाइएगा। तो ठीक है, फिर अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।